बच्चे से लेके बड़े तक और बड़े से लेके बूढ़े तक हर एक का ये ख्वाब है कि उसकी स्किन जो है वो क्लियर रहे, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर जो भी हो, उसका ये ख्वाब होता है कि मेरी स्किन जो है वो और ज़्यादा फेयर हो और क्लियर हो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज अब्दुल रहमान द फैशन फैला। सो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि एक क्लियर स्किन को आप कैसे अचीव कर सकते हैं। आज की इस वीडियो को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, नंबर वन इज योर हैबिट्स एंड नंबर टू इज सॉल्यूशन। सो आपकी हैबिट्स का जो इम्पैक्ट है वो आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, चाहे आप इस बात को तस्लीम करें या फिर ना करें, आपकी जो स्किन है वो आपकी हैबिट्स की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है। चलें अब आपकी हैबिट्स बताते हैं। सबसे पहले जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उसमें से मोस्टली या फिर मैं अगर ये कह सकूँ कि 90% लोग जो हैं वो सुबह उठते ही या फिर मिल्क पी लेते हैं या फिर चाय पीते हैं या फिर कॉफ़ी पीते हैं, ये चीज़ आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। एक अच्छी स्किन केयर रूटीन में आपको सुबह उठते ही कम से कम भी 1 लीटर पानी पीना चाहिए। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक एक मेल को दिन में 3 लीटर पानी पीना चाहिए और एक फीमेल को दिन में 2.2 लीटर पानी वो जो है पीना चाहिए। सो अगली बैड हैबिट है जंक फूड्स। जंक फूड जो है वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। अगर आप उनको पार्टली इस्तेमाल करते हैं या फिर आप उनको कभी कभी खाते हैं फिर वो आपकी स्किन को कम डैमेज करते हैं, लेकिन अगर आप उनकी कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं तो वो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। पहले नंबर पर आती है मेडिसिन। जो लोग कम या ज़्यादा मेडिसिन खा रहे हैं उनकी मेडिसिन की वजह से भी उनकी स्किन जो है वो ख़राब हो रही है। उसके लिए आपने क्या करना है, अगर आप मेडिसिन खाते हैं और आप उनको छोड़ नहीं सकते या फिर मेडिकल रीज़न है तो आप उसमें ये कर सकते हैं, आप अपना वाटर इंटेक जो है उसको ज़्यादा कर सकते हैं, आप दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकते हैं। नेक्स्ट बैड थिंग जो है वो है फेस वॉश। आप अपने फेस को प्रॉपर फेस वॉश से धोते नहीं हैं। अपने फेस वॉश को हमेशा 24 घंटों में 3 बार इस्तेमाल करें, मॉर्निंग इवनिंग एंड रात को सोने से पहले। लेकिन उससे पहले अपनी फेस टाइप को लाजमी है पहले और उसके रिलेटेड जो है वो अपना फेस वॉश चूज करें। अब स्किन मेनली 3 टाइप्स की होती है, नंबर 1 ड्राई, ऑयली एंड कंपेरिजन। आजकल मोस्टली फेस वॉशेज के ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये फेस वॉश किस स्किन टाइप के लिए है। अगर आपको अपनी स्किन टाइप का नहीं पता तो आप किसी नॉर्मल फेस वॉश से या फिर सादे पानी से अपना फेस धोएं और बगैर एसी वाले या फिर बगैर सनलाइट वाले रूम में 1 घंटा गुजारें और 1 घंटे के बाद सिंपली एक टिश्यू लें और उसको अपने फेस पे रखें। अगर उस पर ऑयल आता है तो आपकी स्किन ऑयली है। अगर आपकी स्किन ड्राई हो जाती है या फिर रिंकल्स पड़ जाते हैं तो वो आपकी ड्राई स्किन है, या फिर अगर दरमियान है तो आपकी स्किन जो है वो कंबाइंड है। द नेक्स्ट थिंग इज, अगर आपने एक बार अपना फेस वॉश चूज कर लिया है तो फिर आप उसको चेंज नहीं करें। अगर आप उसको चेंज करते हैं तो फिर वो आपकी स्किन को और ज़्यादा खराब कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ है आपकी स्किन केयर रूटीन, यानी कि आपकी स्किन प्रोडक्ट्स। आपकी स्किन प्रोडक्ट्स में 4 चीज़ें मेन हैं। नंबर 1 आपका फेस वॉश जो कि आपने दिन में 3 बार यूज़ करना है, आपकी मॉर्निंग इवनिंग एंड नाइट में आपके सोने से पहले। दूसरी चीज़ है चूजिंग द राइट फेस वॉश जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एंड नंबर 3 भी है एक अच्छा मॉइस्चराइजर, यू हैव टू मॉइस्चराइज योर स्किन। एंड नंबर 4 पे है सीरम। अब सीरम को मैंने क्यों रखा है और वाइटनिंग क्रीम्स को मैंने क्यों हटाया है, क्योंकि सीरम जो है वाइटनिंग क्रीम से बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। वाइटनिंग क्रीम्स क्या करती हैं, आपकी स्किन को जो है वो डैमेज कर देती हैं, लेकिन सीरम आपकी स्किन को डैमेज नहीं करता बल्कि आपकी स्किन से डार्क स्पॉट्स हटाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्लियर स्किन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड लेटेस्ट वीडियोज। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।